इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राई लीडरशिप बाय डोमिनेंट फर्म। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डोमिनेंट फर्म क्या होती है। देखो, डोमिनेंट फर्म साइज में बहुत बड़े आकार की होती है। साइज में बड़े आकार का मतलब है कि जो मार्केट में उसका जो हिस्सेदारी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो यहां पर इसमें एक वो लिखा हुआ है स्टेटमेंट, अ फर्म इज सेट टू बी डोमिनेंट इफ इट हैज ओवर 50% सेल इन द मार्केट एंड ट्वाइस द साइज ऑफ द लार्ज नेक्स्ट लार्ज फर्म। यानी कि जो मार्केट शेयर जो उसका होगा सेल में वो आधे से ज्यादा होगा और जो उसकी कैपिटल होगी वो जो नेक्स्ट लार्ज होगी उससे दुगनी होगी। तो यहां पर आप ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ी फर्म है, बहुत लार्ज फर्म है और वो डोमिनेट करती है पूरी की पूरी मार्केट को। तो उसमें किस तरीके से उनमें प्राई लीडरशिप फर्म होती है, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें एक फर्म जो है वो डोमिनेंट है यानी कि बहुत बड़े आकार की है और बाकी की कई सारी छोटी छोटी फर्में हैं जिनका कि मार्केट शेयर किसी का 2%, किसी का 5%, किसी का 12%, किसी का 20%, लेकिन जो बड़ा साइज की फर्म है वो केवल एक यही है। ठीक है, तो इसमें कुछ अजम्पशंस ले लेते हैं। हम कह रहा है वन डोमिनेंट एंड मेनी स्मॉल फर्म। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हम यहां पर ये जो मेनी स्मॉल फर्म है ये बनाकर वन यूनिट बन जाती है। ठीक है, तो क्यों वन यूनिट बन जाती है, क्योंकि एक तो हो गई डोमिनेंट फर्म और एक हो गई स्मॉल, यानी कि है तो ये कई सारी लेकिन हम यहां पे मान लेते हैं अपने डायग्राम में कि ये सारी की सारी एक यूनिट की तरह काम करती हैं। और किस तरीके का डिमांड कर्व होता है इनका वो भी हम समझेंगे। अगला ये है कि डोमिनेंट फर्म सेट दी प्राइस, और जो प्राइस डोमिनेंट फर्म सेट करती है उस प्राइस पर ये जो फर्में हैं ये जितनी चाहे क्वांटिटी को सेल कर सकती हैं। मतलब एक बार डोमिनेंट फर्म ने अपना प्राइस सेट कर दिया मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग और उसके बाद वो जितना मर्जी प्राइस सेट कर सकती हैं। ये है दूसरा, मार्केट डिमांड इज एज्यूम टू बी नोन बाय डोमिनेंट फर्म, यानी कि मार्केट डिमांड के बारे में फर्म को पूरी जानकारी है। तो देखिए, ये हमारी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं और यहां पे हम बात कर रहे हैं जो भी हमारी डोमिनेंट फर्म है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पर इसका मतलब ये हुआ मार्केट डिमांड जो है, यानी कि जो भी मार्केट डिमांड है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारी मार्केट डिमांड है, इस डिमांड के बारे में पूरी की पूरी जानकारी किसको है, डोमिनेंट फर्म को है। अगला है डोमिनेंट फर्म नो द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ स्मॉल फर्म, यानी कि यहां पर इसका मतलब ये है कि डोमिनेंट फर्म को जो मार्जिनल कॉस्ट है स्मॉल फर्म की, यानी कि सप्लाई कर्व हो गया। तो ये जो है ना, ये वाला ये है डिमांड ऑफ मार्केट, ठीक है, और ये मान लीजिए सप्लाई का है, ये हमारा है सप्लाई ऑफ स्मॉल फर्म्स। तो इसका क्या मतलब है एक बार वो देख लीजिए। अगर इसका मतलब ये है, आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं कि अगर मान लीजिए प्राइस डिसाइड होता है P0, ठीक है, जिसको कि हम आसानी के लिए 100 रुपए मान लेते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 रुपए प्राइस डिसाइड होता है तो सारा का सारा जो सप्लाई है वो स्मॉल फर्म करेंगी, यानी कि इस केस पे जो लार्ज फर्म है यानी कि जो डोमिनेंट फर्म है उसकी सप्लाई 0 होगी, यानी कि क्योंकि स्मॉल फर्म की जो सप्लाई है और स्मॉल फर्म का जो डिमांड है वो इतना सफिशियंट है आपस में कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्शन कर रहा है। तो यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि ये समझाना ये चाह रहा है कि अगर प्राइस 100 रुपए डिसाइड होती है तो जो डिमांड और सप्लाई है, स्मॉल फर्म की सप्लाई और मार्केट डिमांड, वो दोनों बराबर हैं। इसका मतलब जो लार्ज फर्म है वो किसी भी तरीके का प्रोडक्शन नहीं करेगी। इसका मतलब है कि यहां पर जो डिमांड होगी उसकी वो 0 होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, मान लीजिए एक प्राइस हमने P1 ले लिया, यानी कि मान लीजिए 80 रुपए ले लिया। ठीक है, 80 रुपए पर इसका मतलब ये हुआ, देखिए आप समझिएगा, मान लीजिए ये हमारा ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि 80 रुपए पर जो मार्केट डिमांड आएगी वो आएगी P1B, जिसमें से कि इतना जो सप्लाई करने का काम करेगी स्मॉल फर्म्स और ये सप्लाई करने का काम करेगी डोमिनेंट फर्म, इसको हम डोमिनेंट फर्म बोल देते हैं ना, डोमिनेंट फर्म करेगी।
यानी कि ये जो काम ये सप्लाई यानी कि P1A सप्लाई करेगी स्मॉल फर्म्स, यानी कि यहां पर आपको ये समझना है कि जैसे जैसे प्राइस गिरेगा, मान लीजिए प्राइस 60 हो जाता है, ठीक है, तो यहां पर स्मॉल फर्म का जो हिस्सा है आप देखिएगा, स्मॉल फर्म जो है वो कितना प्रोडक्शन करेगी, मान लीजिए वो करेगी P2C और जो लार्ज फर्म है वो कितना करेगी CD, यानी कि डोमिनेंट फर्म अपना। इसका मतलब सिंपल आप ये समझ लीजिए कि जैसे ऐसे प्राइस गिर रहा है स्मॉल फर्म के लिए मार्केट में टिकना मुश्किल हो रहा है, और अगर प्राइस किसी समय पे 50 आ जाता है, मान लीजिए 50 आ जाता है, तो जितनी भी डिमांड है, मान लीजिए इसका नाम हम दे देते हैं P3 और इसको हम बोल देते हैं E, ये सारी की सारी जो डिमांड है इसको सप्लाई करने का जो काम है वो कौन करेगा, वो करेगी डोमिनेंट फर्म, यानी कि इस केस में किसी स्मॉल फर्म की जो सप्लाई है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो यहां पर हमने अज्यूम्पशन लिया है कि स्मॉल फर्म है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, इसका मतलब ये डिमांड कर्व किसका है, दिस डिमांड कर्व फॉर स्मॉल फर्म, ये डिमांड कर्व है स्मॉल फर्म का, ये सारा का सारा स्मॉल फर्म का डिमांड कर्व। अगर हम फर्म की बात करें तो देखिए फर्म का मान लीजिए ये हमारा है, फर्म के लिए ये हमारा है MAR और ये फर्म का है MR, तो फर्म अपना प्राइस कैसे डिसाइड करेगी, अगर फर्म अपना प्राइस डिसाइड करती है P3, तो मान लीजिए सपोज कीजिए ये इसकी मॉडल कॉस्ट आ रही है, मान लीजिए एक थोड़ी सी समझने के लिए हम आपको समझाना चाह रहे हैं बच्चों को, मान लीजिए ये उसकी मार्जिनल कॉस्ट आ रही है, यानी कि ये मार्जिनल कॉस्ट है, ये मार्जिनल कॉस्ट है, यानी कि वो 50 पे चाहे तो सामान को बेच सकती है, और यही मान लीजिए उसकी एवरेज कॉस्ट भी मिनिमम कर रही है, यानी कि वो कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगी OQ, ठीक है, यानी कि वो सारा का सारा प्रोड्यूस खुद कर सकती है। अब इस केस में ये जो है ना वो, लेकिन यहां पर आप देखिए एक बात समझिएगा, यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि यहां पर वो इतनी सप्लाई तो कर सकता है क्योंकि लेकिन यहां पर ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इसका मतलब वो प्राइस कितना चार्ज करेगा, प्राइस वो डेफिनेटली हायर चार्ज करेगा, और प्राइस वो कितना चार्ज करेगा, प्राइस वो इस हिसाब से वो यानी कि 80 रुपीज वो चार्ज करेगा। तो यहां पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर वो 50 रुपए का प्राइस चार्ज करता, जो कि उसके लिए पॉसिबल है, वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर प्राइस चार्ज कर सकता है, तो जो स्मॉल फर्म है वो मार्केट में रहते ही नहीं, लेकिन जो डोमिनेंट फर्म है उसका ऑब्जेक्टिव अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना होता है, और प्रॉफिट मैक्सिमम की कंडीशन हम सब लोग जानते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमम की कंडीशन होती है जिस समय MC = MR होता है, यानी कि अगर वो इस प्रॉफिट कंडीशन पे ऊपर प्राइस डिसाइड करेगा 80 रुपए, यानी कि ये उसने प्राइस डिसाइड किया, मान लीजिए AQ मान लीजिए 80 रुपए मान लीजिए, इसका मतलब है कि 80 रुपए पर जो स्मॉल फर्म है वो इतनी सप्लाई करेंगी और जो डोमिनेंट फर्म है वो इतनी सप्लाई करेंगी। तो ये पूरा का पूरा तरीका है ये समझाने का कि किस तरीके से डोमिनेंट फर्म प्राइस को डिसाइड करती है। तो यहां पर आपको समझाया गया है कि जो प्राइस सेट करने का काम है वो तो डोमिनेंट फर्म ही कर रही है, यानी कि प्राइस उसने 80 रुपए सेट कर दिया और उसने अलाउ कर दिया स्मॉल फर्म को कि वो बचा हुआ हिस्सा मार्केट डिमांड का, यानी कि मार्केट डिमांड कितनी है P1B, मार्केट डिमांड कितनी आई है 80 रुपए पर P1B, देखिए आप ये मार्केट डिमांड है, इस 80 रुपए पर वो कितनी सप्लाई कर रहा है, वो AB सप्लाई कर रहा है, और बचा हुआ हिस्सा कौन सप्लाई कर सकता है, बचा हुआ हिस्सा सारे का सारा स्मॉल फर्म सप्लाई कर सकती है। जब डायग्राम हम बनाते हैं तो नीचे क्वांटिटी लिखते हैं, डेफिनेटली क्वांटिटी लिखेंगे, और ऊपर रेवेन्यू एंड कॉस्ट लिखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा जिसमें हमने बताया है कि डोमिनेंट फर्म किस तरीके से प्राइस को डिसाइड करती है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।